नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AWPL स्कूल चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं और नए नए जगह जो हैं हम सफ़र करवाते रहते हैं आपको और ट्रैवल करवाते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कई लीडर्स को फेस करना पड़ता है, कई फ्रेशर्स को फेस करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ये अगर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का आंसर अगर पहले से हमें पता हो तो हम एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं, राइट। उसी तरीके से मार्केट में मिलने वाले कुछ केकड़े टाइप के प्रजाति के लोग होते हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको पहले से बता के रख दूं तो डेफिनेटली आपको काम करने में इजी होगा। उससे पहले मैं छोटा सा जो है इस एरिया के लोकेशन के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं हडबे में, जो कि 16 किलोमीटर का ये बीच है। सो लिटिल अंडमान में हडबे नाम का एक जगह है और उसी में आपका रामकृष्णपुर नाम का एक जगह है, एरिया है, उसी का एक बीच है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे, सुंदर से पेड़ और सुंदर सा सी बीच, और इस साइड चट्टान ही चट्टान, और चट्टान के उस पार जो है हमारा समुंदर है, और ज़बरदस्त लोकेशन है दोस्तों। दोस्तों, बस आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारे मार्केट में कुछ टाइप के लोग मिलते हैं। पहले टाइप के जो लोग मिलते हैं वो आपको बोलेंगे, हाँ तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है। वो बोलते सब है लेकिन करते कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ऐसे टाइप के लोगों से आप बच के रहना। ये लोग आपको मोटिवेट करेंगे, ये बोलेंगे सिर्फ, हाँ भाई तू है, तू कर सकता है, तू कर लेगा, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तो ऐसे लोगों से आपको जो है बच के रहना है। ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, ऐसे लोगों को छोड़ देना है, क्योंकि ऐसे लोग जो है आपको पॉजिटिव करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन खुद आपका साथ नहीं देंगे। आपको बोलेंगे काम करने के लिए, लेकिन वो खुद आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए टेंशन नहीं लेना। दूसरे टाइप के जो लोग हैं, ऐसे टाइप के लोग क्या करेंगे, ये लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। ये लोग ऐसा नहीं कि ज्वाइन नहीं करेंगे, ये लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ, एक दो दिन काम भी करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ये बैठ जाएंगे। और ये लोग कंफर्ट जोन वाले लोग होते हैं। इनको आप जितना मर्जी उठाने के लिए कोशिश करें, जितना मर्जी आप गाइड करने के लिए कोशिश करें, ये लोग नहीं करेंगे। दे विल ज्वाइन विद यू, दे विल वर्क विद यू, इवेंचुअली आफ्टर सम डेज दे विल टेक देयर कंफर्ट जोन और वो लोग बैठ जाएंगे। और तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं, ये कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वाले होंगे। ये लोग क्या करेंगे, आपसे आपके कंपनी के हर प्रोडक्ट का कंपोजिशन मांगेंगे, ये मांगेंगे, लन मांगेंगे, फन मांगेंगे, बोलेंगे भाई तुम डायरेक्ट आप जो है जितने भी बड़े बड़े हमारे जो मोदी जी हैं उनका सिग्नेचर करवा के ले आओ, ठीक है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनका सिग्नेचर ले आओ, तब मैं कर लूंगा। ऐसे लोग होंगे ये लोग। ये लोग आपसे जो है बोलेंगे आपका प्रोडक्ट जो है बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, ये पूछेंगे आपसे। ये लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट में कुछ हानिकारक केमिकल्स तो नहीं है। अरे भाई मेरे, जब फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब आयुष मंत्रालय, जब यूरोफिन्स लैब ने टेस्ट कर लिया है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको क्या तकलीफ है। और हर प्रोडक्ट में कुछ 5% 10% के जो एडिटिव हैं वो मिलाने ही पड़ते हैं, ताकि प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी जो है बढ़ा सके, प्रोडक्ट को थोड़े दिनों के लिए और हम यूज कर सके। चाहे वो डीएम वाटर हो, डीआई वाटर हो, हर प्रोडक्ट में डीएम वाटर, डीआई वाटर नहीं डाल सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट में हमें जो है पोटेशियम समथिंग कुछ होता है, वो केमिकल का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। सो कुछ केमिकल्स होते हैं, वो 1% 2% ही एमजी होता है उसका, ज्यादा नहीं होता है, वो शरीर में ज्यादा हानिकारक भी नहीं होता है, वो उससे खतरनाक जो यूरिक एसिड वगैरह है वो ज्यादा हानि कर देता है हमारे शरीर में। सो दोस्तों, मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ, कुछ दिमागदार लोग आपको परेशान करेंगे, और कुछ आपके टीम में भी कई लोग होंगे जो आपको कई बार अपशब्द कह देते हैं, भला बुरा कह देते हैं, ऐसे भी होते हैं। वो आपके टीम में ही हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसी तालमेल ना होने के कारण वो लोग आपको भला बुरा कहते हैं। सो आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो आप इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। अगर आप हर चीज को दिल पे लेके बैठ जाएंगे तो बड़ा काम, बड़ा बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। हर छोटी छोटी चीजों को आप सोच के बैठ जाएंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, इन सब चीजों से आपको समझना है, संभलना है, और उसके बाद जो है एक और कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे जो होते हैं नामधारी। उनको सिर्फ नामधारी है, वो कामधारी नहीं है, सिर्फ नाम से मतलब है, काम के लिए वो जीरो हैं। ना फील्ड में उतरेंगे, ना अपने अप्लाइन से बात करेंगे, ना ट्रेनिंग लेंगे, ना जूम मीटिंग लेंगे, प्रोडक्ट का पता है नहीं, लेकिन उनको चाहिए नाम। पर ऐसे होगा नहीं, आपको निकलना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का काम जो है वो है आपका फील्ड वर्क। जब तक आप फील्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्त। फील्ड वर्क इज नेसेसरी, फील्ड वर्क बहुत जरूरी है। आप सोचिए, मैं मेनलैंड का रहने वाला बंदा हूँ, कहाँ सी बीचेस पे घूम रहा हूँ, देखिए इधर
दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई नहीं है यहाँ पे। इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, इस साइड भी कोई नहीं है, देख रहे हैं, खाली है पूरा सी बीच। मैं अकेला हूं, मैं पागल हूं क्या? मैं पागल हूं, यस मैं पागल हूं, मैं पागल हूं अपने परिवार को बदलने के लिए, मैं पागल हूं अंडमान निकोबार में एक खुशहाली लाने के लिए, मैं पागल हूं सफलता पाने के लिए, मैं पागल हूं मेरे दोस्तों को सफलता दिलाने के लिए, मैं पागल हूं इंडिया को बदलने के लिए, मैं पागल हूं हर हर स्टार्टअप घर घर स्टार्टअप के नारे के साथ, और मैं पागल हूं हर हर AWPL घर घर AWPL के नारे के साथ। यस मैं पागल हूं, लेकिन उस पागल की कोई परिभाषा नहीं है जो बंदा घर में पबजी और फ्री फायर लेके बैठ के खेल रहा है और अपना बिजली बर्बाद कर रहा है। उस पागल की कोई परिभाषा नहीं है जो बंदा फेसबुक पूरा दिन स्क्रॉल कर रहा है और रील्स देख रहा है और इंस्टा चला रहा है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो आप प्रेरित होएं, उठे जगें, कुछ करें। और देखिए दोस्तों, लास्ट कैटेगरी, दोस्तों हर चीज़ आपको दिल पे नहीं लेना है। आप खुद भी सक्षम बनिए, खुद एक ऐसे इंसान बनिए जो आप खुद अपने दम पे सब कुछ कर सके। अपलाइंस हमेशा आपके पास नहीं रहेंगे, अपलाइंस हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको खुद अपलाइन बनना पड़ेगा, क्योंकि आप भी किसी ना किसी के अपलाइन है दोस्तों, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ों को दिल से नहीं लगाना है। छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लेके बैठ जाएंगे तो फिर बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे दोस्तों? बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अपलाइन हमेशा आपको गाइडेंस के लिए हैं, अपलाइंस हमेशा आपके सपोर्ट के लिए हैं। हो सकता है कि टीममेट से या अपलाइन से कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसको दिल पे लेके नहीं बैठना है। हर छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लेके बैठ जाएंगे तो फिर बड़ा बिजनेस होगा ही नहीं, आप सफलता पा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे लोगों से बचें जो आपको नेगेटिव करते हैं, ऐसे लोगों से बचें जो टाइम वेस्ट करते हैं आपका, पैसा वेस्ट करते हैं आपका, ऐसे लोगों से बचें जो बंदे आपके टीम में ज्वाइन हो गए हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं कुछ, ऐसे लोगों से बचें जो ज्वाइन भी नहीं होते हैं लेकिन आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं, हाँ बेटा तू कर, तू कर, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, तू कर, अच्छा तूने कर लिया ना, अच्छी बात है, तू कर, तू कर पाएगा, तू कर पाएगा, मेरे थ्रू नहीं होता है। वो लोग कर सकते हैं, वो लोग हमसे भी बेटर कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है क्योंकि उनमें दम ही नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ प्राणी आपको मिलेंगे मार्केट में, लेकिन बच के रहना। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैंने हमेशा हर किसी को बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो मैंने बाहर के लोगों के बारे में बताया, अब मैं लास्ट में जाते जाते नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ प्राणियों के बारे में बता देता हूँ। पहला टाइप का जो बंदा होगा, ये आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करते ही सो जाएगा, काम नहीं करेगा कभी, ठीक है। ये बंदा ज्वाइन करेगा लेकिन ज्वाइन करते ही घर में कंफर्ट जोन में जाके घुस जाएगा, निकलेगा ही नहीं, ये जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं है, ये उठेगा ही नहीं फिर अपने बिल से, तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। दूसरे टाइप का बंदा, ये ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करते ही ट्रेनिंग लेके मर जाएगा, ये जैसे ही ट्रेनिंग लेगा देखेगा अरे यहाँ तो फील्ड में जाना पड़ता है, यहाँ तो 10 तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं, यहाँ तो ये होता है वो होता है, फिर ये मर जाएगा, ये आएगा नहीं, फिर दिखेगा ही नहीं, ये ईद का चांद हो जाएगा। तीसरा टाइप का बंदा, ये क्या करता है, ये आएगा 10-15 लोगों की टीम बनाएगा, 10-15 लोगों की टीम बनाने के बाद फिर आप इसको कुछ कह देंगे, ये आपको कुछ कह देगा, तू तू मैं हो जाएगी, ये छोड़ के चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं आपके साथ। चौथे टाइप का बंदा, इससे तो आपको और ज्यादा बच के रहना है, ये क्या करेगा, ये आपके साथ ब्रोंज भी बनेगा, सिल्वर भी बनेगा, गोल्ड भी बनेगा, प्लैटिनम भी बनेगा, एमरल्ड भी बनेगा, एमरल्ड में जाके इसका दिमाग खराब हो जाएगा। एमरल्ड में जाने के बाद ये बंदा आपको बोलेगा, सर आप तो मेरे लिए मिठाई का डब्बा लेके नहीं आए, आप क्यों मेरे लिए मिठाई का डब्बा लेके नहीं आए बताइए, आपने कार खरीद ली, आपने बाइक खरीद ली, ओहो आपने बाइक खरीद ली, सर सर बाइक खरीद ली आपने, आप मेरे लिए मिठाई का डब्बा लेके नहीं आए सर, हे भगवान आप मिठाई का डब्बा कैसे लेके नहीं आए सर, क्यों लेके नहीं आए सर, कहां थे सर, मिठाई का दुकान तो मेरे घर के बाहर ही था सर, आप मिठाई ला सकते थे सर, क्यों लेके नहीं आए मिठाई मेरे लिए, आप ऐसे हो गए सर। एमरल्ड बनते बनते आपने लगभग लगभग 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन आप एक छोटा सा मिठाई का डब्बा लेके नहीं आए सर मेरे लिए, क्यों सर, क्या मैं इतना बुरा हूं? ये एक मिठाई के डब्बे के लिए, छोटी सी एक चीज के लिए यह बंदा आपसे बातचीत करना छोड़ देता है, टीम भी छोड़ के चले जाता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में तरह तरह के लोग होते हैं, इनको बांधे रखना है। तो कभी भी किसी से अजीब अजीब टाइप की बातें या हर्ट करने वाली बातें आपको नहीं करनी है। हर चीज में आपको जहां पे लगता है कि सॉरी बोलना चाहिए आप सॉरी बोल दीजिए, और जहां पे लगता है कि किसी का केयर करना चाहिए केयर कीजिए। और यहाँ पे तो 10 तरीके के सिचुएशंस होते हैं, 10 तरीके के माहौल होते हैं, 10 तरीके के हालात होते हैं, तो हर हालात और हर सिचुएशंस को देख के आपको घबराना भी नहीं है। आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेके, अगर आपको कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो सॉरी बोल दीजिए,
या तो सॉरी बोल दीजिए या तो आप क्षमा मांग लीजिए, सिंपल सी बात है। मिट मिट करके आगे बढ़िए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे, सपनों को बड़ा कीजिए प्रॉब्लम्स छोटे नजर आएंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन लाइफ का। और पांचवें टाइप का जो बंदा है, ये बंदा इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये बंदा अपने लाइफ में भी डायमंड बनता है और आपको भी डायमंड बना के जाता है। तो ये बंदा जब तक आपको नहीं मिल जा रहा है तब तक आपको बिजनेस छोड़ के नहीं जाना है। ये बंदा टाइम पे पंचुअल भी होगा, ये बंदा बिजनेस भी करेगा, ये बंदा जूम मीटिंग भी लेगा, ये बंदा इस टाइप की ट्रेनिंग भी लेगा, ये बंदा अच्छा प्लानर भी बनेगा, ये बंदा अच्छा ट्रेनर भी बनेगा, ये बंदा वो सारी चीजें करेगा जो आप करते हैं, और ये बंदा अपने लाइफ में डायमंड भी बनेगा, 50 लोगों को डायमंड भी बनाएगा और आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बना के जाएगा। तो ऐसे बंदे के आने का वेट करें दोस्तों। सो दोस्तों, अपने ये समुंदर जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो समुंदर दिख रहा है ना, इस समुंदर में कम से कम 1000 प्रजाति के केकड़े पाए जाते हैं। कितना बोला मैंने? 1000 प्रजाति के केकड़े पाए जाते हैं। और हमारे भी जीवन में कुछ केकड़े होते हैं, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी मासी, हमारी पीसी, हमारी जो खानदान में कुछ लोग हैं, ऐसे केकड़े मिलते हैं। समंदर के केकड़े से तो बचा जा सकता है, लेकिन परिवार और हमारे समाज के केकड़े से बच नहीं पाते हैं हम। सो केकड़ों से सावधान। और केकड़ों के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत होती है, वो ना तो खुद सफल होते हैं और ना ही किसी को सफल होने देते हैं। सो केकड़ों से सावधान रहिए और केकड़ों के पास मत जाइए। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। छोटी छोटी चीजों में फोकस मत करिए, किसी से कहा सुनी बहस हो जाती है उसको आप मिटमाट कर लीजिए। फालतू किसी से उलझिए मत, प्रोपोगेंडा में फंसिए मत, एक ही चीज पे फोकस रखें, नंबर्स ऑफ प्लान्स नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग नंबर ऑफ क्लोजिंग। जितना ज्यादा आप प्लान देंगे उतने ज्यादा लीडर मिलेंगे, जितने ज्यादा लीडर मिलेंगे उतनी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। सिंपल सा फंडा है बस। तरह तरह के लोग आएंगे, आपको तो पता ही है, अल्लाह तेरी जहान में है भांति भांति के लोग, कुछ है पागल लोग तो कुछ है दर पागल लोग। ठीक है, वैसे कुछ वर्डिंग्स अलग हैं तो मैंने थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज कर दिया है। आशा करता हूं कि मेरी फीलिंग्स आप समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, तो मैं ज्यादा अपशब्द बोल नहीं सकता हूं। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अंडमान आकर के, और बहुत सुनहरा मौसम भी है, और थोड़ी देर में पानी चढ़ने वाला है दोस्तों, पानी चढ़ भी रहा है। सो हमें यहां से जल्दी जल्दी निकलना होगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सूत्रों का मानना है कि यहां पे भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा सी बीच वाला एरिया है, डोंट वरी। ठीक है, सो हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्ती करते रहें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड एंड गो आयुर्वेदा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।